गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे, पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। इस संयोजकता बंध सिद्धांत जो है वो उपसहसंयोजक यौगिकों में बंधन को किस प्रकार से समझाता है। तो आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, उपसहसंयोजन यौगिकों में के गुणों की व्याख्या करने में VBT जो है वो किस प्रकार असफल हुई। तो शुरू में उपसहसंयोजन यौगिकों के लिए VBT के द्वारा जो बंधन की व्याख्या थी उसका प्रचलन काफ़ी समय तक रहा, यानी काफ़ी समय तक VBT द्वारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्ड बनाने की जो क्रियाविधि थी उसकी व्याख्या होती रही है, इसका इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन आगे जाके ये असफल हो गया, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो असफल हो गई। क्यों हुई? क्योंकि VBT जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बंध बनाने की जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है और बंधों की जो दिशात्मक विशिष्टता है उसके ऊपर फोकस करता है, यानी कि इन दोनों गुणों पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है। सबसे ज़्यादा ध्यान VBT का इन्हीं दो स्टेप्स पे होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन किस टाइप से हो रहा है और कक्षकों की ऑर्बिटल्स की दिशा क्या है, किस दिशा को वरीयता दे रहे हैं। तो अब बॉन्ड फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है उससे अपन ये समझ सकते हैं कि एक केंद्रीय धातु आयन बहुत से लिगेंडों से किस प्रकार से बंध बनाने में सक्सेस रहता है, सफल रहता है। और अपन बात करें दिशात्मक विशिष्टता की, तो उससे अपन ये देख सकते हैं या अपन बॉन्ड फॉर्मेशन की जो ज्योमेट्री है, त्रिविम रसायन, स्टीरियो केमिस्ट्री, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन VBT ने इस बात पे या इस तथ्य को नहीं देखा कि, यानी कि ये इस चीज़ को देख रहा था कि जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं उनके ऊपर अत्यधिक फोर्स दे रहा था, अत्यधिक बल दे रहा था, और जो खाली ऑर्बिटल जो हाई एनर्जी के होते हैं उनके ऊपर इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और दूसरी बात, फुलफिल जो और बॉन्डिंग में जो भाग ले रहे थे ऑर्बिटल्स उनके ऊपर फोकस था इनका, जो हाई एनर्जी के एम्प्टी ऑर्बिटल थे, खाली कक्षक थे, उनके ऊपर इसका ध्यान नहीं था VBT का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो अपन आज बात करेंगे कि किन किन गुणों की व्याख्या करने में असफल रहा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा उपसहसंयोजक यौगिक जो थे उनकी किन किन गुणों की व्याख्या नहीं कर पाया। पहला गुण था इसका जिसकी व्याख्या करने में असफल रहा संयोजकता बंध सिद्धांत, पहली कमी थी इसकी कि संक्रमण धातु यौगिकों के रंगीन विलयन यानी कि अपने को पता है कि अधिकतर जो संक्रमण तत्व हैं उनके यौगिक जो है वो कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। लेकिन संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा इस गुण की व्याख्या नहीं की गई कि संक्रमण धातुओं के कंपाउंड जो हैं वो रंगीन होते हैं। और रंगीन दिखाई देना, किसी पदार्थ का रंगीन दिखाई देना ये किस पर डिपेंड करता है और किस प्रकार दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है, ये अपन पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में ये देखेंगे कि VBT इस बात की व्याख्या कैसे नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया। तो अपन सबसे पहले ये देखेंगे कोई पदार्थ जो है वो रंगीन कब दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है। तो श्वेत प्रकाश जो है वो दृष्टिगोचर होता है और श्वेत प्रकाश को अपन काफ़ी सारे रंगों से बना हुआ माना जाता है। श्वेत प्रकाश जो है काफ़ी सारे रंगों से के मिश्रण से बना होता है और ये सभी रंग जो हैं ये मुख्यतः तीन रंग होते हैं जिनसे श्वेत प्रकाश निर्मित होता है। मुख्यतः तीन रंग, पहला लाल, नीला व पीला, यानी कि इन तीन रंगों के मिश्रण से ये मुख्यतः रंग होते हैं, वो प्राथमिक रंग होते हैं, इन रंगों के मिश्रण से श्वेत प्रकाश निर्मित माना जाता है। तो इन तीनों रंगों को बोलते हैं अपन प्राथमिक रंग।
प्राथमिक रंग, और इन रंगों के अवशोषण से या इन रंगों के मिश्रण से जो नए रंग बनते हैं उनको अपन कहते हैं द्वितीयक रंग। यानी प्राथमिक रंग अपने कौन से हैं? लाल, नीला व पीला, और ये तीनों रंग कहलाते हैं प्राथमिक रंग। और इनके एब्जॉर्प्शन से या अवशोषण से जो दूसरे कलर बनते हैं उनको अपन बोलते हैं द्वितीयक रंग। तो अपन एक छोटी सी सारणी देखेंगे कि प्राथमिक रंगों के अवशोषण से किस प्रकार उनके द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं। यानी कि ये तीनों रंग प्राथमिक रंग होते हैं और इनके मिश्रण से द्वितीयक रंग बनते हैं। जैसे प्राथमिक रंग अपने पास प्राथमिक रंग और प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बने द्वितीयक रंग। जैसे अपने पास प्राथमिक रंग है नीला, नीला प्राथमिक रंग है, तो लाल और पीले का क्या होगा? उत्सर्जन, लाल प्लस पीला, और इनके उत्सर्जन से द्वितीयक रंग कौन सा बनेगा? नारंगी, नारंगी रंग। यानी कि प्राथमिक रंग अपना नीला और बाकी जो कलर बचे उनके उत्सर्जन से कौन सा कलर बनेगा? नारंगी रंग। नारंगी रंग कौन सा होगा? द्वितीयक रंग। यानी कि नीला रंग जो है प्राथमिक रंग उसका द्वितीयक रंग है नारंगी। इसी प्रकार अपन दूसरा कलर ले लाल, प्राथमिक रंग अपना लाल, तो नीला और पीला, नीला प्लस पीला क्या होगा? उत्सर्जन, और इनके उत्सर्जन से कलर बनेगा हरा रंग, हरा रंग। यानी कि लाल कलर जो है प्राइमरी कलर उसका द्वितीयक रंग कौन है? हरा रंग है। इसी प्रकार से तीसरा पीला, पीला होगा अपना प्राथमिक रंग, और लाल और नीला, लाल प्लस नीला के उत्सर्जन से अपना कलर बनेगा तीसरा कलर अपना प्राथमिक रंग। पीला रंग जो है वो प्राथमिक रंग है अपना, तो लाल प्लस नीला के एब्जॉर्प्शन उत्सर्जन से कौन सा कलर बनेगा? प्राथमिक रंग अपना पीला, द्वितीयक रंग लाल प्लस नीला, तो लाल प्लस पीला के उत्सर्जन से कलर बनेगा अपना बैंगनी। यानी कि प्राथमिक रंग पीले, पीला कलर जो है उसका द्वितीयक रंग होगा बैंगनी। अब अपन ये देखेंगे किसी कोई वस्तु रंगीन कब दिखाई देता है। यदि किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है या प्रकाश पड़ता है तो वस्तु रंगीन कब दिखाई देगी? जब उस पदार्थ में उपस्थित रासायनिक पदार्थ द्वारा उस प्रकाश में से एक या अधिक रंगों का अवशोषण हो जाए और बाकी रंगों को वो क्या कर दे? परावर्तित कर दे। तो परावर्तित रंग जो हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं? उस वस्तु का रंग। यानी कि प्रकाश में से एक या दो विकिरणों का अवशोषण करने के बाद बाकी जो कलर है उनका क्या होता है? परावर्तन होता है। परावर्तित विकिरणों का रंग ही उस वस्तु का क्या होता है? कलर होता है। जैसे अपन बात करें तीनों प्राथमिक रंग अपने पास, उन तीनों प्रकाश कलर से कोई प्रकाश बना हुआ है, यानी कि किसी प्रकाश में वो तीनों कलर ही मिश्रित हैं, और वह प्रकाश यदि किसी वस्तु पर पड़े और वो वस्तु उन प्राथमिक रंगों में से नीला कलर जो है उसको एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले, तो बाकी बचे कौन? लाल और पीला कलर। लाल और पीला कलर, पीला कलर क्या होता है? परावर्तित होता है। यानी कि परावर्तित होने के बाद उस वस्तु का कलर कैसा दिखाई देगा? नारंगी कलर का। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक या अधिक विकिरण का अवशोषण, लाल कलर नीला कलर का जो विकिरण था उसका अवशोषण हो गया पदार्थ के द्वारा। अब लाल और पीला जो था, लाल और पीला, क्योंकि ये तीनों ही कलर प्रकाश में मौजूद थे, नीले कलर को पदार्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया, लाल और पीला कलर जो है वो क्या हो गया? परावर्तित हो गया। तो लाल और पीले रंग का परावर्तित रंग, जिसको अपन पूरक रंग भी बोलते हैं, क्या होता है? नारंगी। यानी कि वस्तु का रंग कैसा दिखाई देगा अपने को? नारंगी। यानी कि नीला कलर एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया पदार्थ ने,
वो लाल पीले का क्या हो गया, परावर्तन। परावर्तन करने के बाद में लाल पीले रंग के परावर्तक परावर्तित कलर या पूरक रंग क्या होता है, नारंगी। तो वस्तु का कलर दिखाई देगा अपने को नारंगी। इस टाइप से, इस टाइप से नीले कलर जो है, नीला कलर जो है उसका पूरक रंग कौन है, नारंगी। यानी कि किसी रंग के अवशोषण से, यानी कि लाल नीला रंग जो है उसका अवशोषण हो रहा है, किसी रंग के अवशोषण से पदार्थ का जो रंग दिखाई देता है वो रंग अवशोषित रंग का क्या कहलाता है, पूरक रंग। किसी रंग के अवशोषण से पदार्थ का जो रंग दिखाई देता है वो रंग अवशोषित रंग का पूरक रंग कहलाता है। यानी यहाँ पे नीला रंग अवशोषित हुआ तो नीले रंग का पूरक रंग क्या है, नारंगी। यानी कि नीला कलर का प्रकाश यदि अवशोषित होता है तो उस वस्तु का कलर दिखाई देगा अपने को नारंगी। तो नीले का पूरक रंग कौन हुआ, नारंगी। अब किसी रंग का जो विकिरण है, किसी रंग रंग का जो प्रकाश है उससे विशेष तरंग दैर्ध्य का विकिरण रिलेटिव होता है, रिलेटेड होता है। प्रत्येक रंग का जो विकिरण है उससे विशेष तरंग दैर्ध्य का विकिरण, विशेष तरंग दैर्ध्य का विकिरण रिलेटेड होता है। यानी कि अपन बात करें इसकी, यानी कि किसी पदार्थ द्वारा किसी विशेष रंग का अवशोषण हो तो उसका मतलब क्या है कि उस पदार्थ की जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किसी विशेष तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करना। क्योंकि प्रत्येक रंग से विशिष्ट जो विकिरण होती है उसका तरंग दैर्ध्य संबद्ध होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नीले रंग के अवशोषण का मतलब है पदार्थ द्वारा कि उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन जो है वो नीले रंग का जो विकिरण है उसकी तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करना। अब अवशोषण, अवशोषित ऊर्जा जो है, अवशोषित ऊर्जा जो है उसके तरंग दैर्ध्य को अपन प्लांक समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। प्लांक समीकरण ज्योति E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, प्लांक समीकरण। इसके द्वारा अपन तरंग दैर्ध्य का मान, जो एनर्जी है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। या ये भी होता है E बराबर एच न्यू, E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा या एच में। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि प्राथमिक रंग जो हैं उनके द्वितीयक रंग या पूरक रंग क्या क्या होते हैं। प्रत्येक कलर का पूरक रंग होता है और वो ही दिखाई देता है। यानी कि किसी विशेष रंग के अवशोषण से जो कलर दिखाई दे रहा है वस्तु का वो कलर क्या कहलाएगा, अवशोषित रंग का पूरक रंग। अब अपन बात करेंगे कि उपसंयोजन यौगिकों में संक्रमण तत्व जो हैं वो कलरफुल कैसे होते हैं, रंग का प्रदर्शन किस प्रकार करते हैं। अब अपन देखते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है किसी पदार्थ में और वो किसी विशेष विकिरण का अवशोषण करता है तो उससे एनर्जी डिफरेंस किस प्रकार पैदा होता है, ऊर्जा परिवर्तन जो होता है उसके बारे में देखते हैं। माना कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रारंभिक ऊर्जा है जिसको अपन डिनोट कर रहे हैं माइनस Q1 से, ये क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक ऊर्जा। अब यदि इस पदार्थ पे या इस इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी विशेष तरंग दैर्ध्य की विकिरण का अवशोषण होता है, यानी कि और उस विकिरण की आवृत्ति है न्यू, न्यू आवृत्ति का कोई विकिरण है उसका अवशोषण करता है इलेक्ट्रॉन और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाती है, अपन उसकी एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं माइनस E2 से। यानी कि प्रारंभिक ऊर्जा को डिनोट कर रहे थे माइनस E1 से और न्यू आवृत्ति का विकिरण एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एनर्जी को अपन डिनोट कर रहे हैं माइनस E2 से। तो माइनस E2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस E2 बराबर माइनस E1 प्लस H। ये होगी न्यू आवृत्ति का विकिरण एब्जॉर्ब करने के बाद में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। जैसे ये माइनस E1 है किसी इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक ऊर्जा, किसी इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक ऊर्जा एच न्यू, न्यू आवृत्ति का विकिरण एब्जॉर्ब करने के बाद में, न्यू आवृत्ति का विकिरण एब्जॉर्ब करने के बाद में एनर्जी हो जाएगी माइनस E2। अपन इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक ऊर्जा माइनस E1 इस प्रकार से और
न्यू विकिरण एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एनर्जी माइनस वी टू, इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक ऊर्जा माइनस वी वन और न्यू आवर्ती विकिरण एब्जॉर्ब करने के बाद में माइनस वी वन प्लस एच न्यू। अब यदि इस अवशोषित ऊर्जा का तरंग दैर्ध्य दृश्य क्षेत्र में पड़ता है तो अवशोषित विकिरण का जो पूरक रंग है वो पूरक रंग ही क्या होगा, पदार्थ का रंग होगा। अब यदि उच्च ऊर्जा स्तर में रिक्त स्थान की अनुपलब्धता हो, रिक्त स्थान अवेलेबल नहीं हो या अन्य किसी कारण से विकिरण का एब्जॉर्ब नहीं हो, अवशोषण नहीं हो, तो पदार्थ जो है वो कलर रंगहीन दिखाई देगा, कलरलेस। और यदि दृश्य क्षेत्र की तुलना में अपन बात करें अवशोषित विकिरण जो है उसका तरंग दैर्ध्य या तो ज़्यादा हो या बहुत कम हो दृश्य क्षेत्र की तुलना में, उस कंडीशन में भी पदार्थ जो है वो रंगहीन दिखाई देता है, या तो हाई एनर्जी ऑर्बिटल जो है उनमें रिक्त स्थान की अनुपलब्धता हो, रिक्त स्थान अवेलेबल नहीं हो या किसी कारण से विकिरण का एब्जॉर्प्शन नहीं हो या विकिरण का अवशोषण नहीं हो, या दृश्य क्षेत्र की तुलना में अवशोषित विकिरण का तरंग दैर्ध्य जो है वो बहुत कम हो या अधिक हो, तो उस कंडीशन में भी पदार्थ जो है वो रंगहीन दिखाई देता है। अब अगर अपन बात करें संक्रमण धातु यौगिकों के विलयन का जो रंग है, तो उनकी व्याख्या करने के लिए क्या जरूरी है कि संक्रमण धातु की जो डी कक्षक है, डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा के कक्षक और उच्च ऊर्जा के कक्षकों में रिक्त स्थान अवेलेबल हो, यानी रिक्त स्थान की उपलब्धता हो, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं वो, उनके कंपाउंड जो हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं, यानी कि उच्च ऊर्जा के कक्षकों में रिक्त स्थान का होना आवश्यक है संक्रमण धातु संकुलों के यौगिकों के विलयन जो हैं उनके उनका रंगीन दिखाई देना, यानी कि संक्रमण धातु की जो डी ऑर्बिटल है उन डी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी की ऑर्बिटल जो कैसे हो, खाली हो, हाई एनर्जी की ऑर्बिटल वो रिक्त हो, उनकी उपस्थिति आवश्यक है। और दूसरी बात, उनका जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है वो कहाँ पड़े, दृश्य क्षेत्र में पड़ता हो, या जो हाई एनर्जी की ऑर्बिटल है उनका ऊर्जा अंतर कहाँ पड़े, दृश्य क्षेत्र में पड़े, उस कंडीशन में संक्रमण धातु की जो कंपाउंड है उनके विलयन कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन। अपने को पता है कि संक्रमण धातुओं का रंगीन दिखाई देने का क्या कारण है कि उनमें डी कक्षकों के अलावा हाई एनर्जी के जो रिक्त ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है, उनका होना जरूरी है और उनका भी ऊर्जा अंतर कहाँ पड़े, दृश्य क्षेत्र में पड़ता हो, उस कंडीशन में संक्रमण धातु कंपाउंड कलरफुल दिखाई देते हैं। अब वीबीटी की बात करें अपन, तो वीबीटी में इस टाइप के जो खाली ऑर्बिटल थे हाई एनर्जी के, इनके होने की पुष्टि का कोई प्रमाण नहीं था, इन्होंने कोई चर्चा नहीं की कि इस टाइप के खाली ऑर्बिटल होते हैं या पाए जाते हैं या होने चाहिए। तो इस प्रकार से वीबीटी जो है वो असफल रहा संक्रमण धातुओं के जो कलरफुल कंपाउंड है उनकी व्याख्या करने में, कि कलरफुल कंपाउंड किस प्रकार से होते हैं उनकी व्याख्या करने में वीबीटी असफल रही। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि खाली ऑर्बिटल होने चाहिए हाई एनर्जी के, जिनका एनर्जी डिफरेंस कहाँ पड़े, दृश्य क्षेत्र में पड़ता हो, और ऐसे हाई एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं इनका कोई जिक्र नहीं किया वीबीटी ने, या कोई प्रावधान था ही नहीं वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इस टाइप के ऑर्बिटल्स का। तो इस प्रकार से अपन पहली असफलता जो थी वीबीटी की उसकी चर्चा कर चुकी है, पर संक्रमण धातु यौगिकों के रंगीन विलयनों की व्याख्या नहीं कर सकी वीबीटी। और इसके बाद अपन दूसरी इसकी जो बड़ी असफलता थी उसकी चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।